मेरा डॉग मेरा सिंगर आज मर गया है तो उसका जिम्मेदारी मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आने के बाद वो 3 दिन लगातार खाना नहीं खाया, उसके बाद धीरे धीरे बीमार पड़ गया तो आज ही मर गया। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मतलब मैं बहुत ही दुख हूँ, क्योंकि मेरा वो फेवरेट मतलब पेट डॉग, यानी कि मैं उसे सिंगर बुलाते हूँ, जो कि वो गाना गा बोलने से गाना गाते रहता है, जो कि कुत्ता मतलब मर गया। तो जब मैं आ रहा था यहाँ पर मोनू बाइक के साथ, तो वो सिंगर ने मुझे रोड तक पहुँचाने के लिए आ गया था। तो मुझे वो इतना याद आ रहा है सिंगर को मिसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आने के बाद वो खाना नहीं खाया लगभग 3 दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे मतलब वो बीमार पड़ गया वो सिंगर। तो आज उसका मतलब लास्ट दिन मतलब उसका अंत हो गया लगभग 9:30 बजे के आसपास। मेरा सिंगर इतना मतलब समझदार कुत्ता था कि गाना गाओ बोले से गाना गाते हैं वो सिंगर। तो यहाँ आने के बाद तो मैं यहाँ पर आने के बाद कंटिन्यू में खुश था। मैं अचानक से मेरी मम्मी ने कॉल करके बोली कि वो सिंगर मर गया करके, तो मुझे बहुत दुख लगा यार आज। तो मैं उस सिंगर को मतलब भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो जब मेरा पहले वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा था, जब से मैं सिंगर को इंक्लूड किया मेरा वीडियो में ब्लॉग वीडियो में, तब से मेरा वो वीडियो चलना चालू हो गया। तो बहुत दुख लग रहा है यार, मतलब मुझे वो ब्रेकफास्ट खाने के बाद ही वही न्यूज़ में मुझे सुनने के लिए मिला कि सिंगर मर गया करके। तो बहुत ही दुख लगा भाई, सिंगर को बहुत मिस करो भाई। क्या करूँ, मैं यहाँ पर खुशी खुशी रह रहा था सनातन बाई के गाँव पे, तो अचानक वही न्यूज़ को सुन के मुझे वो बहुत याद आ रहा सिंगर को रोने का। मैं वो क्या बात क्या बोलूँ यार, बहुत टेंशन में हूँ। वो सिंगर भी नहीं रहा मेरा वो खास पार्टनर, वो मेरा हर वीडियो में वो सिंगर मतलब इंक्लूड रहता था। तो सिंगर के बिना मेरा वो वीडियो आधा अधूरा रहता था। जब से मैं सिंगर को वीडियो में मेरा साथ इंक्लूड किया, तभी से मेरा वीडियो में बढ़िया बढ़िया व्यूज आता है। तो वो सिंगर मेरे वजह से मरा है। मैं यहाँ आया हूँ वो लगभग 3 दिन खाना नहीं खाया, तब से बीमार पड़ गया, तब मेरा कारण मरा है। इसका जिम्मेदारी मैं हूँ, मुझे इधर आना नहीं चाहिए था। मेरा वजह से मैं वो सिंगर मर गया। मैं इतना प्यार करता था, कहीं पर भी जाता हूँ बहुत खुश जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन कहीं पर जाने से मतलब रोड पे रहता था, मुझे मतलब वेट करता था कि कब आ। मेरा वो सिंगर नहीं रहा, इसका जिम्मेदारी मैं एक डॉग लवर हूँ। कुछ लोग इस वीडियो को देख के मतलब मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ डॉग लवर लोग इसका फीलिंग को समझेंगे। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपना डॉग से सिंगर को, मैं उसे अपना फैमिली का जैसा मानता हूँ, मैं फैमिली का एक सदस्य की तरह मानता हूँ मेरा सिंगर को मैं। तो कोई बात नहीं, वो फिर से नया वो पपी में अडॉप्ट कर दूंगा, और भी एक तो है छुतुआ करके छोटा वाला, और मैं 2 अडॉप्ट करूंगा मैं फिर से यहाँ से जाने के बाद। हम लोग यहाँ से कल चले जाएंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि यहाँ पर वो झारखंड वाले लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत खुशी था। आज अचानक इस न्यूज़ को सुन के मुझे बहुत वो मैं मतलब वो मेरा इमोशन को मैं रोक नहीं पाया हूँ यार। बात करते करते मैं वीडियो को काट करना पड़ा, क्योंकि आँख से ज़्यादा आंसू निकलते हैं। इस फीलिंग को सिर्फ डॉग लवर लोग समझेंगे, कुछ लोग मुझे उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वो व्यूज पाने का चक्कर में गाइस मैं इस वीडियो को मैं मोनेटाइज भी नहीं करूँगा। मैं सिंगर का वजह से मैं मतलब वो सिंगर का वजह से मेरा वीडियो पहले मेरा वीडियो में व्यूज ही आता नहीं था, जब से मैं सिंगर को इंक्लूड किया तब से मेरा वीडियो में व्यूज ही आना शुरू हो गया। तो वो मैं सिंगर को मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि सिंपैथी के लिए रो रहा है आँख मतलब लाल लाल किया, लेकिन ऐसा नहीं, मैं इस वीडियो को मैं मोनेटाइज भी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहने दूंगा। मैं बहुत मिस करूंगा यार सिंगर को, ये फीलिंग को सिर्फ डॉग लवर लोग समझेंगे, दूसरा लोग नहीं समझेंगे। एक्चुअल में पीछे आके मतलब वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पर वो मोनू भाई है, तो मोनू भाई को बताता हूँ कि वो मोनू भाई भी उसको जानते हैं अच्छी तरह से वो सिंगर को, क्योंकि वो हमारे घर में जाते रहते हैं, सिंगर से मतलब खेलते हैं, उसको गाना गवाते हैं सिंगर से। तो यहाँ पर है मोनू भाई। मोनू भाई, मेरा सिंगर मर गया। अरे यार बहुत दुख लग रहा है, अभी देखा मैंने, मुझे बहुत दुख लग रहा है। ओम शांति, ओम शांति। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि कुत्ता पालो हमेशा, वो लोग वफादार होते हैं,
मालिक को कभी भी नहीं बोलता, जिससे खाता है उससे कभी भी नहीं बोलता है। इंसान पालने से अच्छा है कि कुत्ता पालो। अभी बितुल यहाँ पे आ गया, इसका डॉगी बेचारा बीमार हो गया, ये आ गया, इसका यार में बीमार हो गया, खाना नहीं खा रहा था, इसीलिए उसका आई थिंक ईश्वर का मर्जी था, लेकिन कोई बात नहीं, उसको शांति मिले। और हम इंसान भी कब तक रहेंगे, हम लोगों का भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा जब तक हम लोग जिंदा है तब तक के लिए जानवर पालो। इंसान पाल के आजकल का दुनिया में फायदा नहीं है। तेरा बिली बार में तुझे म्याऊं बोलेगा।